हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेलिंग में टीम इंडिया का क्या प्लान हो सकता है, जो टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं बड़े विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो उनका विद इन अ प्लेन क्या प्लान होगा, बिकॉज 20 अगस्त से इंडिया के लिए एशिया कप शुरू होगा, उस दिन उनको अपने बड़े राइवल यानी कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है, तो इंडिया का क्या प्लान है इस वीक का। और साथ में आज सुबह एक बड़ी न्यूज़ आई है कि राहुल द्रविड़ जो टीम इंडिया के हेड कोच है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो उनका क्या रिप्लेसमेंट होगा, उनकी कैसे प्लानिंग होगी, बीसीसीआई उनको कैसा रेगुलर चेकअप ले रही है, तो उन सब बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ वीडियो के एंड तक रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले टीम इंडिया के प्लेयर्स की बात करें, जो बड़े प्लेयर्स जो इंडिया में है जिनको रेस्ट दिया गया था जिम्बाब्वे सीरीज में, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, ऋषभ पंत हो गए, उन सबको 3 दिन के कैंप के लिए बुलाया गया बेंगलुरु एनसीएम में, जहां पर उनका फिटनेस टेस्ट होगा, उनका रेगुलर बॉडी चेकअप होगा, जिसके बाद उनको मतलब कि हरी झंडी दी जाएगी कि वो जा सकते हैं दुबई और वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो उस बारे में उनका 3 दिन का कैंप है, उसके बाद वेनेसडे की सुबह वो फ्लाइट लेंगे, फिर दुबई जाके वहां थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का कैंप लगेगा उनका, जहां पर वो जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि संडे से उनका मैच स्टार्ट होने वाला है और 31 अगस्त को वापस से उनको खेलना है क्वालिफायर के अगेंस्ट, जो कि चल रहा है अभी। सो अभी तक फिक्स नहीं है कि 31 अगस्त को किसके साथ मैच होगा। सो दूसरी बात करें जिम्बाब्वे के जो टूर पे गए थे जो बड़े प्लेयर्स थे, केएल राहुल, अक्षर पटेल, आवेश खान, दीपक हुड्डा, जो कि एशिया कप में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो दुबई के लिए लेट नाइट फ्लाइट लेने वाले हैं ट्यूजडे को या वेनेसडे को, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है उनकी फ्लाइट है, देन वो टीम इंडिया को डायरेक्टली ज्वाइन करने वाले हैं एशिया कप के लिए दुबई में। तो तीसरी बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल द्रविड़ का ये पहला इवेंट हो सकता था बड़ा वाला, जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाले थे एज अ हेड कोच, बट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, तो बीसीसीआई की अभी तक माने तो बीसीसीआई के सोर्सेज ने अभी ऑफिशियल नहीं किया है, बट ऐसी सोर्सेज ने पक्का किया है कि हाँ कि राहुल द्रविड़ पॉजिटिव हैं, उसके बाद अब उनका रेगुलर चेकअप देखा जाएगा और आज रात तक या फिर कल सुबह तक पक्का हो जाएगा कि क्या डिसीजन लेगा, वरना बीसीसीआई ने अभी तक ये टाइमलाइन दी गई है कि 1 वीक का वेट करने वाले हैं वो, अगर राहुल द्रविड़ फिट हो जाते हैं तो उनको दुबई बुला लिया जाएगा एशिया कप के पार्टिसिपेशन के लिए, वरना वीवीएस लक्ष्मण जो अभी अंडर 19 और इंडिया पी को संभालते हैं उनको एज अ कोच मान लिया जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।